हाथ जोड़ श्री विष्णु जी को शीश नवाते हैं, चरणन शीश नवाते हैं। योगिनी एकादशी की अनुपम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। एकादशी के व्रत से भव बंधन कट जाते हैं, सब बंधन कट जाते हैं। योगिनी एकादशी की अनुपम कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। श्री हरि विष्णु भगवान देते हैं मोक्ष वरदान, देते हैं मोक्ष वरदान श्री हरि विष्णु भगवान। मोक्ष योगिनी कथा सुनाओ, सुनो लगा के ध्यान। योगिनी एकादशी की महिमा का गाओ गुणगान। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की पावन एकादशी, योगिनी एकादशी है ये मन भावन एकादशी। पाप नाशनी श्राप नाशनी एकादशी महान, योगिनी एकादशी के व्रत का है उत्तम वरदान। अलकापुरी एक नगर था जिसका राजा कुबेर, शिव भक्ति में डूबा रहता संध्या और सुबह। अब आगे जो होता है वो हम बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। योगिनी एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री हरि विष्णु भगवान देते हैं मोक्ष वरदान, देते हैं मोक्ष वरदान श्री हरि विष्णु भगवान। पूजा के लिए पुष्प ले आना था माली का काम, पुष्प वाटिका का माली था हेम था उसका नाम। पत्नी विशालाक्षी थी उसका अति सुंदर था रूप, मृग नैनी सी चपल कामनी स्वर्ण वस्त्र अनुरूप। मधुमाता यौवन था उसका मुखड़ा चंद्र समान, काले केश नयन कजरारे फूलों से मुस्कान। पति पत्नी में प्रेम बहुत था प्रेम सुधा बरसाए, एक दूजे के बिन दोनों को चैन तक ना। दोनों मधुर मिलन में निश दिन डूबे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। योगिनी एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री हरि विष्णु भगवान देते हैं मोक्ष वरदान, देते हैं मोक्ष वरदान श्री हरि विष्णु भगवान। रोज का मातुर होकर बोली प्रातः काल, प्रेम मिलन को प्रीतम मेरा हाल हुआ बेहाल। पुष्प वाटिका से माली को ले जाना था फूल, पत्नी की बातें सुन के माली गया फूल को भूल। प्रेम मिलन में ऐसा डूबा कुछ ना रहा ख्याल, उधर वो राजा पुष्प के बिना हुआ क्रोध से लाल। सुबह से ले हो गई दोपहरी पर माली ना आया, तब राजा ने अपने सेवकों को ऐसे फरमाया। उस माली के घर राजा सैनिक भिजवाते हैं,
पावन कथा सुनाते हैं। योगिनी एकादशी की अनुपम कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। श्री हरि विष्णु भगवान देते हैं मोक्ष वरदान, देते हैं मोक्ष वरदान श्री हरि विष्णु भगवान। राजा के सैनिक माली के घर पहुँचे तत्काल, आकर के राजा को बताया उस माली का हाल। प्रेम मिलन में रमण कर रहे दोनों मिलकर साथ, इसीलिए वो पुष्प वाटिका पहुँचा नहीं है आज। फूल बिना वर्षों की पूजा भंग हो गई आज, सुन सैनिक की बात वो राजा हुआ बड़ा नाराज। हुक्म सुनाया फिर राजा ने उसे पकड़ कर लाओ, मेरे सामने उस माली पर 100 कोड़े बरसाओ। सैनिक जाके उस माली को पकड़ के लाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। योगिनी एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री हरि विष्णु भगवान देते हैं मोक्ष वरदान, देते हैं मोक्ष वरदान श्री हरि विष्णु भगवान। हाथ बांध माली के खड़ा किए दरबार, लग रही थी राजा की आंखें जलता हुआ अंगार। क्रोध में राजा गरज के बोला, माली रहा है कांप, आज बचे ना प्राण हमारे, माली गया था कांप। दुष्ट नीच महापापी तूने किया बड़ा अपराध, फूल न लाया तू पूजा के कहां प्रेम सुख साध। ईश्वर देव का तूने मेरे किया घोर अपमान, तू कर्तव्य भूल कर पापी बनता है नादान। माली की आंखों से फिर आंसू आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। योगिनी एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री हरि विष्णु भगवान देते हैं मोक्ष वरदान, देते हैं मोक्ष वरदान श्री हरि विष्णु भगवान। पूजा मेरी रही अधूरी तुझे लगा है पाप, सुनो माली आज तुझे मैं देता हूँ ये श्राप। पत्नी वियोग सहना पापी मृत्यु लोक जाकर, दर दर भटकेगा तू माली कुष्ठ रोग पाकर। दिया कुबेर ने श्राप उसे जो किया असर तत्काल, मृत्यु लोक में उस माली का होता है क्या हाल। बिछड़ गई पत्नी माली की ऐसा हुआ संजोग, कुष्ठ रोग में सहरा माली देख पत्नी भी ओ। घटते नहीं दुख उसके दिन दिन बढ़ते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। योगिनी एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री हरि विष्णु भगवान देते हैं मोक्ष वरदान, देते हैं मोक्ष वरदान श्री हरि विष्णु भगवान।
जन्म की बात पाप कर वो पछताता है। पीड़ा सही न जाए निश दिन नीर बहाता है। भटक रहा वो मृत्यु लोक में पीड़ा सही न जाए। एक रोज उस माली को एक आश्रम पड़ा दिखा। ऋषि मार्कंडे के आश्रम में माली पहुंचा जाए। ऋषि ने जब माली को देखा दया गई है आ। चरण वंदना कर माली ने बैठ गया वो पास। ठठरे बन गया था तन उसका चल रही केवल श्वास। ऋषि राज उसको उसके सब कर्म बताते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। योगिनी एकादशी की पावन महिमा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। श्री हरि विष्णु भगवान देते हैं मोक्ष वरदान। देते हैं मोक्ष वरदान श्री हरि विष्णु भगवान। मार्कंडे बोले से तुम्हें मिला है श्राप। इसीलिए तू मृत्यु लोक में भोग रहा संता। बोला माली ऋषि राज से जोड़ के दोनों हाथ। मैं यमराज कुबेर का सेवक था है सच्ची बात। मेरा नाम हेम माली है सत्य कहूँ मुनिराज। पुष्प मंगाते थे पूजा के प्रतिदिन हे महाराज। एक दिवस मैं पत्नी के संग करने लगा मनुहार। चूक कर गया था सेवा में माली सेवादार। कर्म हमारे हमें यहाँ दर दर भटकाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। योगिनी एकादशी की पावन महिमा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। श्री हरि विष्णु भगवान देते हैं मोक्ष वरदान। देते हैं मोक्ष वरदान श्री हरि विष्णु भगवान। पुष्प न लाया था पूजा के हो गई थी बड़ी देर। पूजा रही अधूरी मुझसे रूठे राजा कुबेर। दे दिया श्राप मुझे हे मुनिवर भोगू पत्नी वियोग। कंचन वरन बदन था मेरा हो गया कुष्ठ करो। चरण शरण में आन पड़ा हूँ दया करो मुनिराज। कष्ट निवारण का कोई उत्तम राज बता दो आ। कष्टों से मुक्ति मिल जाए जाऊं अपने धाम। पीड़ा कष्ट सही बड़े मैंने अब तो मिले आराम। मुक्ति का मुनिराज उसे फिर आगे बताते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। योगिनी एकादशी की पावन महिमा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। श्री हरि विष्णु भगवान देते हैं मोक्ष वरदान। देते हैं मोक्ष वरदान श्री हरि विष्णु भगवान। गई मालिक के ऊपर बोले फिर मुनिराज। कष्टों से मुक्ति पाने का मंत्र बताऊंगा। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी महान। योगिनी एकादशी के व्रत को रखो विधि विधान। मिलेगी मुक्ति कष्टों से तुम स्वर्ग को जाओगे।
श्री हरि की कृपा से तुम उत्तम फल पाओगे, मिलेगी मुक्ति पापों से, कष्टों का होगा नाश। मेरी बातों का है माली, पूर्ण करो विश्वास। व्रत के सारे उपाय उसे मुनिवर समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, योगिनी एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री हरि विष्णु भगवान देते हैं मोक्ष वरदान, देते हैं मोक्ष वरदान श्री हरि विष्णु भगवान। योगिनी एकादशी का उसने रखा फिर उपवास, व्रत के फल से उसके सारे पाप हो गए ना, कुष्ठ का रोग भी ठीक हो गया, कंचन हुई काया, पत्नी उसकी मिल गई, उसको व्रत की थी माया, स्वर्ग लोक में पहुंच गया फिर महाराज के पास, अपने श्राप का महाराज को होता है एहसास। पहले जैसे सेवक था वो बन गया सेवादार, मेरे साथ में श्री हरि की जय जय बोलो एक बार। कथा लिखी मंदराने अमृत गा के सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, योगिनी एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।